आप बताइए, एक सांसद खुलेआम ऊपर पहुंचाना, हत्या, जेल में डालना, मतलब कानून का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, घुटने टेक देना, घुटने का तोड़ देना, हिंसा, एक सांसद बोल रहा है, एक सांसद बोल रहा है। आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी ने आजमगढ़ वालों को कहा है कि इनका मन बढ़ गया है, इनकी मन बढ़ी निकाल देंगे। इसमें आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों ने कुछ कदम उठाया है उसके बारे में बताएं। शनिवार का एक वीडियो वायरल होता हुआ हम तक पहुंचा, और जिसमें रासेपुर मुबारकपुर में कोई जगह है, वहां पर नरेश लाल यादव निरहुआ ये बोल रहे हैं कि आजमगढ़ के लोग मनबढ़ हो गए हैं, उनको ऊपर पहुंचा देंगे, मनबढ़ी खत्म कर देंगे, जेल में डाल देंगे, मार के ठेना तोड़ देंगे। जो है ये पूरा का पूरा हिंसा भड़काने का बयान है, जिस तरह से एक समय आप देखते थे कि मुंबई में जो है पूर्व उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों पे जो है हमले होते थे, इसी तरह से जो है ये यहाँ पर जो है आजमगढ़ के लोगों के लिए खिलाफ ये बोल रहे हैं। और हमने ये कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, हमारी डिग्निटी का सवाल है, और इस सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और आप तत्काल रूप से दिनेश लाल यादव निरहुआ पे आप जो है मुकदमा पंजीकृत करिए। लेकिन अभी तक कोई मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ। दूसरा कि ये सवाल इसलिए हम हो जाता है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों इन्होंने ये बोला कि धरने पे जो लोग बैठे हैं कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, और इसी तरह से अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर का जो है जो गृह मंत्री राज्य मंत्री है, उन्होंने भी किसानों को सबक सिखाने की बात कही, और उनके लड़के ने जो है चार किसानों को और एक पत्रकार को रौंद करके मार डाला। तो आज जो स्थिति लखीमपुर की थी वो स्थिति आज आजमगढ़ की भी हो गई है, और आजमगढ़ में भी ये सरकार और सरकार के लोग आजमगढ़ के लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, इनको को उनके पर हिंसात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने इस बात को रखा, लेकिन आजमगढ़ SSP को ज्यादा दिनेश लाल यादव निरहुआ के उस हेट स्पीच पे उनका ज्यादा ध्यान नहीं था, उन्होंने उल्टे पूछा कि आप राजीव यादव हैं, मैंने कहा मैं राजीव यादव हूं, उन्होंने कहा कि आप भी तो भड़काते हैं, मैंने कहा आप बता दीजिए क्या भड़काते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ने लिखा जो है कि एक दलित जो परिवार है उसको जो है उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है, तमाम से हमने कहा हाँ मैंने उसका घर तोड़ दिया था, उसका मालिक नहीं नहीं एक हाँ उसका मालिक जो है एक आसिफगंज में एक जगह है, वहां पर एक दलित टेलर है, एक महीने पहले उनके घर में तोड़ करके ऊपर से कचरा गिराया गया, उनके दुकान लूटी गई, फिर एक महीने बाद फिर से लूटा गया। तो हमने इस बात को लिखा कि वो दलित परिवार बड़ा परेशान है, उन्होंने कहा कि हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, परेशान थे, दाने दाने को मोहताज थे, आत्महत्या करने को मजबूर थे, और उनका आरोप था कि दलित होने की वजह से ये FIR दर्ज नहीं हो रहा। तो हम इस बात को रखेंगे ना मीडिया के सामने रखेंगे। जो उनका वीडियो वायरल हुआ है वो इसी धरने को लेकर और किसानों को लेकर जो बैठे हैं 40 दिनों से धरने पर, उसी में हुआ था ना सर, आप बताइए थोड़ा। देखिए पहली चीज तो उनको पता नहीं है कि वो सांसद, एक सांसद के क्या कर्तव्य होते हैं, आप पार्लियामेंट के मेंबर हो और आपको समझ जो है थोड़ा सा भी नहीं है कि एक सांसद का स्टेटमेंट क्या होता है। आप पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने के लिए, कानून पर बहस करने के लिए आजमगढ़ की जनता ने आपको भेजा, वो ये बताएं सांसद महोदय कि कौन सा संविधान का सेक्शन उनको इस तरह के गैर कानूनी बात करने की इजाजत देता है। अगर वो सांसद है तो उनको एक परंपरा संसदीय मर्यादा निभानी चाहिए, और जिसको माननीय पूज्य करते हैं ना योगी जी को, उनको आप लोगों ने पार्लियामेंट में रोते हुए देखा होगा, दादाजी समय स्पीकर थे और यही गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे आदरणीय पूज्य जी, यही पूज्य जी वहां बिलबिला के रो रहे थे, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में लिया, लोकसभा अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में लिया। तो आप उसी आप ये जब आप पर पड़ती है तो आप रोते हो पार्लियामेंट के अंदर जाके, और जब पार्लियामेंट में आपको पावर मिल जाता है तो आप गोली मारने की बात करते हो, आप घुटना तोड़ने की बात करते हो। देखिए हम लोगों ने आज SSP महोदय SP आजमगढ़ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है
कि निरहू जी से कह दीजिए वो माननीय सांसद हैं, संसदीय परंपराओं का पालन करें, नहीं तो उनका जो नौटंकी और नाच चल रहा है आजमगढ़ में, ये कैफी आजमी का गांव है, ये जो है कैफी आजमी का गांव है। अल्लामा शिबली नुमानी जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ ऋषि दुर्भाषा और दत्तात्रेय की पवित्र भूमि है, यहाँ महापंडित राहु संकीर्तन जैसे विद्वान पैदा हुए हैं, यहाँ चंजीत यादव जैसे सामाजिक न्याय का योद्धा पैदा हुआ है। तो ये ना समझें कि ये धरती जो है किसकी है। आप कहीं से आओ एमपी एमएलए बन जाओ, मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंटल एमपी है, एक्सीडेंटल एमपी है, कुछ लोगों की गलती की वजह से चुनाव जीत गया। ये आदमी अगर इस तरह का मतलब नफरत वाली भाषा बोल रहा है, आप सांसद हो, इसी तरह की बात गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रेनी जो लखीमपुर में हुआ, उसका जो गुंडा लड़का जो है थार गाड़ी चढ़ा दिया किसानों पे, हमारे किसानों की वहाँ हत्या हो गई, 700 तो किसान आज किसान आंदोलन 700 से ज्यादा किसान मारे गए। कई किसान को आपने प्रोटेक्शन दिया, किस किसान के परिवार को आपने नौकरी दिया, किस किसान के परिवार को आपने जो है सुरक्षा दिया। तो ये एकदम गुंडाई कर रहे हैं, और ये आजमगढ़ है, शायद उनको पता नहीं है कि आजमगढ़ का की आवाम, आजमगढ़ के लोग जो एक ठीक की तरह बधे रहते हैं और किसी भी हमले के लिए तैयार रहते हैं, आजादी की लड़ाई में हमारा योगदान रहा है। ये जो सागन से आजमगढ़ रेलवे पटरी जाती है, हमारे पुरखों ने कई बार उसको उखाड़ के फेंका है, ऐसा नहीं हम नहीं लड़े, हम लोग उस परिवारों से जिनके परिवारों के घर जलाए गए आजादी के आंदोलन में। तो और निरहू को मैं जानता हूँ कि उनके नहीं, उनका जांच करा लो, कितना जमीन खरीदा है, कितना जमीन खरीदे, वो प्लॉटिंग का काम करते हैं, वो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, वो जमीन खरीदने और बेचने का काम करते हैं, वो आजमगढ़ के लोगों को मनमल कर रहे हैं, वो हमको मनमल करेंगे, हम मनमल हैं, तुम्हारी मनमड़ही कई बार वायरल हुई है, जब तुमने जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों को धमकाया है, वो भी है, उसको भी हम खोज रहे हैं, हम सर्च करेंगे, उसको ले आएंगे जनता के बीच में, तुम कितने बड़े मनमर हो, और तुम्हारी मनमढ़ाई जो है यहाँ नहीं चलेगी। आप एक सांसद के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, सांसद है वो यही इसी आजमगढ़। अच्छा, सांसद संविधान से, सांसद के ऊपर संविधान नहीं लागू होता, सांसद है तो संविधान के दायरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो बाबा साहब ने एक संविधान लिखा इस मुल्क के अंदर, उसके संविधान में रहेंगे कि मनुस्मृति का कानून लेके आएंगे, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर को फूंक दिया था, वो लेके आएंगे? हाँ, ये मोहन भागवत आरएसएस और निरहुआ जैसे लोग, इनका पूरा खानदान माफी मांगने का इतिहास रहा है, जो भले सत्ता चला रहे हैं, जिसको वीर कहते हैं, उनकी आजादी की लड़ाई में का योगदान खोजो क्या है, 60 रुपया जितना कलेक्टर को तनख्वाह मिलती थी, उतना तनख्वाह इनके वीर सावरकर को मिलती थी, क्या बात करेंगे? ये अंग्रेजों की दलाली इनके पूरे पुरखों ने किया। हम तो गांधी के सपनों के लोग हैं, हम तो भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो इस जमीन की धरती से जुड़े लोग हैं, न हम इनकी जेल से डरते हैं, न इनके 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 किसी भी उत्पीड़न से डरते हैं। और कई बार हम लोग जेल गए हैं, आए हैं, कई बार, एक बार नहीं दर्जनों बार हम लोग जेल गए हैं, जमानत करवाए, छूट गए, फिर लड़े और लड़ेंगे इनसे। अच्छा, ये सर बताइए कि अगर वायरल बयानों पर अगर बात करें, तो यहाँ से तमाम सारे बातें जो है जनता की वायरल हो रही है, लोगों जो किसान है उनकी भी वायरल। देखिए, जनता सांसद नहीं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक संवैधानिक सदन का सदस्य है, और कोई संवैधानिक सदन का सदस्य अगर अलूल जलूल बात करता है, तो वह जो है गांव का जो एक अनपढ़ महिला कर रही है, उससे तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल गुस्सा है महिलाओं का, बोलती है कि निरहुआ हमारे बीच में नहीं आता है, नहीं आते हैं, तो अगर महिला बोल रही है, तो उसी महिलाओं ने इनको वोट दे के ताज भी पहनाया था कि आप पार्लियामेंट में जाओ, हमारे सवालों पे लड़ो। आप गैस का दाम बढ़ाए कई दिन बोले, पेट्रोल का कीमत बढ़ा कई दिन बोले, आप तो पार्लियामेंट में कौन सी बहस करोगे? आप एक दिन बता दें कि जब से सांसद हुए हैं, अभी तो इनको भी घेरे हैं, 5 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है, हम लोगों ने ऐलान किया है कि आजमगढ़ का जो जितने 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी सुन लें, अगर विधानसभा के अंदर हमारी आवाज नहीं उठी, हम उनको उनके घरों में ताला बंद करेंगे, उनको भी घरों से नहीं निकलने देंगे, लड़ाई इस तरफ जाएगी, ऐसा नहीं केवल निरहू से लड़ाई।
जो भी दलाली करेगा सत्ता की उसके खिलाफ लड़ाई होगी। तो क्या लगता है कि कार्रवाई होगी जो जिले के आप गए थे? नहीं कार्रवाई होगी, हम कानून अदालत है इस देश में, हम अदालत जाएंगे उनके खिलाफ, 156(3) में जाएंगे, कंप्लेन में जाएंगे, मुकदमा कराएंगे उनके खिलाफ हेड स्पीच का। और दूसरी चीज कि यहाँ जो ये कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून, मैं तो कहूंगा कि यहाँ के सांसद महोदय भूमि अधिग्रहण कानून को ठीक से पढ़ लें। ये 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून नहीं है, ये 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है। उस कानून के तहत अगर वो आते हैं तो हमसे बात करें, उसमें कहीं पावर नहीं है इनको। बगैर हमसे बातचीत किए, बगैर हमारी सहमति के, बगैर हमारे लिखा पढ़ी के वो कहीं नाप जोख नहीं करा सकते, सर्वे भी नहीं कर सकते। क्या कानून मानो ना भाई, कानून कौन नहीं मान रहा? हम नहीं मान रहे कानून, तो हुक्मरान नहीं मान रहे, सरकार में बैठे लोग नहीं मान रहे। और नहीं मानेंगे तो मनवाना आता है, वो तरीके भी हम मनवाएंगे। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, न मारेंगे न मानेंगे। अच्छा, आप किसान नेता हैं, आप दोनों लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसी धरने पर, आप लोग बैठते हैं और जिम्मेदारी के साथ रहते हैं, लेकिन अब पूरा आजमगढ़ के तरफ से आपने वो दायर किया है जो एफआईआर? जी बिल्कुल। देखिए सवाल, जैसे मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का महासचिव, अभी हमारे साथी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, जो गांव गांव घूमेंगे, इसी गांव की बात नहीं है, जो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास हम पूरे जिले में करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 8 गांव में मीटिंग करेंगे। अभी कटिया बिनिया का टाइम चल रहा है, हमारे जो किसान नेता है वो किसान भी है, वो खाली हो जाते हैं, तो ये 8 गांव नहीं, हम फूलपुर, अंबारी, मेयनगर, लालगंज, तरवा तक हम शुरू करेंगे इस अभियान को, और इनको देखेंगे कैसे किसानों की जमीन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप सांसद हो, आप कानून के हिसाब से बात करो। मैं उनसे कहता हूं कि आप सांसद हो, किसी चैनल डिबेट में जगह तय कर लो, मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, खिरिया की बाग में कह रहा हूं कि सांसद महोदय कोई चौराहा तय कर ले, कोई जगह तय कर ले, जहां वो चाहे, तो मैं इस सवाल पे उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। बता दीजिए। चलिए, राजीव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चैलेंज तो जो है बीरेन भाई ने दे दिया है, और एक और भी आजमगढ़ की जनता का खुला चैलेंज है कि ये जो निरहू कहते हैं कि योगी जी ने भेजा है यहाँ पर उनको शूटिंग करने के लिए, हैं तो ये शूटिंग फूटिंग यहाँ नहीं चलेगी, ना शूटिंग चलेगी, ना ईटिंग चलेगी, ना मीटिंग चलेगी। किसान और मजदूर तय करेगा कि इस धरती पे क्या होगा, चावल होगा कि गेहूं होगा कि मक्का होगा। हम यहाँ पर एयरपोर्ट या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या NH के नाम पर जो जमीनों का अधिग्रहण करके जो जमीनों को लूटा मारे किया है, किसानों को गरीब किया गया है, अब ये नहीं चलेगा। शूटिंग, ईटिंग, मीटिंग सब निरहू की आजमगढ़ में बंद होगी। और साफ मैं कह रहा हूं, अगर आजमगढ़ एसपी ने FIR दर्ज नहीं किया तो गाजीपुर से निरहू जो है आजमगढ़ की सीमा में घुस नहीं पाएंगे। साफ कह रहे हैं, एकदम रुकेंगे, और हम ये तय करेंगे कि तुम यहां पर शूटिंग करोगे नहीं, योगी नहीं तय करेंगे। और साफ मैं कह रहा हूं कि भी मैंने योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच के खिलाफ भी 3-3 बड़े मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है हमारे, और हमने लड़ा है। हम हर नफरत के खिलाफ हर समय लड़े हैं, हमने नफरत को हर समय दरकिनार किया है। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमने मोहब्बत से इस धरती को बनाया है। और अंग्रेजों के खिलाफ भी जो पूरी लड़ाई लड़ी गई है, किसी सरकार ने नहीं लड़ी, किसी राजनीतिक दल ने नहीं लड़ी, आंदोलनों ने लड़ी, और आंदोलन तय करेंगे कि इस धरती का भविष्य क्या होगा। और ये भविष्य हम तय करेंगे, और क्योंकि हमारी नस्लों का सवाल है, हमारी नस्लें सिर्फ और सिर्फ निरहुआ जो बात कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर जो है यहाँ के लोग मनमर हैं, उनको हम जो है ऊपर पहुँचा देंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनके घुटने टेक देंगे। मनभरी आप बताइए, एक सांसद खुलेआम ऊपर पहुँचाना, हत्या, जेल में डालना, मतलब कानून का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, घुटने टेक देना, घुटने का तोड़ देना, हिंसा, एक सांसद बोल रहा है, एक सांसद बोल रहा है, शनिवार को उसने बोला है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि उनको कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस ना हो, इस वजह से वो कर रहे हैं। तो राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है तो क्यों चुनाव लड़ लिया आखिर, जो है जा करके नाचे गए जो है यहाँ पर राजनीतिक लोगों को तो टिकट भी नहीं देना चाहिए। नहीं देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के भविष्य है, और साफ साफ बीरेन जी ने भी अभी इस बात को कहा, सांसद को विधि विधान बनाने के लिए होता है। हमने कहा, जो ज्ञापन दिया है अभी सांसद को, उसमें भी हमारे साथियों ने कहा है कि आपने जो इस बात को कहा है कि सरकारी जमीन पर
पर यहाँ के लोग कब्जा करके बैठे हैं। आप भूमि अधिग्रहण कानून पढ़ लीजिए, भूमि अधिग्रहण कानून में कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा गया है, चाहे एक यहाँ तो किसान है, मजदूर है, वहां पर स्थिति है कि सड़क किनारे अगर जो है अगर कोई माता जी जो है लगा करके वहां पर धनिया भी बेच रही है, उसको भी भूमि अधिग्रहण कानून जो है उसको भी मुआवजे की बात करता है। लेकिन यहाँ पर सर्वे को दरकिनार कर दिया, सबको दरकिनार कर दिया, वो एक अलग बात है, तो बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे सीधे हत्या, बलवा और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिनेश लाल यादव निरहुआ, इसको आजमगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी रगों में सिबली नुमानी का खून बह रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का खून बह रहा है, हमारी रगों में जो है राहुल सिंह का खून बह रहा है। हम जो हमारी जो विरासत है, हम अपनी विरासत से लड़े हैं, हमारे रगों में अडानी अंबानी का खून नहीं बह रहा है, हम किसान मजदूर की औलाद है। हम तय करेंगे कि निरहुआ यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, ये आजमगढ़ तय करेगा। और आजमगढ़ SSP तत्काल FIR दर्ज नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे और निरहुआ के नो एंट्री करेंगे। अभी हम लोग बातचीत करते हैं राजीव यादव से, जो आजमगढ़ के लोगों को निरहुआ जी ने कहा है कि जो बयान वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों की मनबड़ी हम निकाल देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, तो इस पर हम लोगों ने बातचीत करी। उन्होंने एक FIR दर्ज किया है आजमगढ़ के लोगों के बेसिस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आजमगढ़ के आप लोग हैं तो आप लोगों को सुनकर कैसा लगा कि आजमगढ़ लोगों की मनबड़ी निकाल देंगे, मन बढ़ गया है? हो सकता है कि ये इस प्रोटेस्ट को लेकर हो रहा है, इस आंदोलन को लेकर के उन्होंने बोला हो, लेकिन आजमगढ़ पूरे आजमगढ़ को लेकर उन्होंने कहा है, तो इस पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।